हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन फिफ्थ क्लास नाइन्थ. कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्रायंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइज इज 18 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम बेस लेंगे जिस जो है 12 सेंटीमीटर. तो आप यहाँ देखिए, ये हमने 12 सेंटीमीटर का बेस लिया, ठीक है, 12 सेंटीमीटर का बेस लिया. इस पे हमने एंगल बनाया, राइट ट्रायंगल है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम यहाँ, ठीक है. ये हमने यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाने की कोशिश की, ठीक है. ये 60 डिग्री की आर्क, ये 120, और यहाँ पे हमने ये कट किया तो ये हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है. इसको आप लंबा लीजिए, जितना लंबा हो सके उतना लंबा लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा सम कितना है 18 सेंटीमीटर. तो ये हमने बनाई 18 सेंटीमीटर की लाइन, 15 और 3 18. यहाँ से इस पॉइंट को मिला लीजिए, ये हमने मिला लिया. सबसे पहले हमने क्या लिया, बी सी, बी पे 90 डिग्री बनाया, ठीक है. और हमने बी डी को लिया 18 सेंटीमीटर, ठीक है. बी डी को 18 सेंटीमीटर लेके हमने क्या किया, डी सी को मिला दिया. डी सी को मिलाने से हमने क्या करना है, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, आधे से ज्यादा कंपास ओपन कीजिए, एक आर्क यहाँ लगा लीजिए, एक आर्क यहाँ लगा लीजिए, और ऐसे ही यहाँ इस आर्क को कट कीजिए और इस आर्क को भी कट कीजिए आप. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थोड़ा लंबा हो गया ना इसका, आप इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए जहां पे भी ये कट हुए हैं. ये दोनों पॉइंट आप मिला दीजिए जहां ये कट हुए हैं. हमारे ये पॉइंट थोड़े बाहर कट हुए हैं, हमने यहाँ मिला दिए. और ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये जो पॉइंट आया हमारा बी डी पे कट होके, वो हमारा पॉइंट होगा ए, ठीक है. ए सी को हम मिला देंगे और हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगी ए बी सी, ठीक है. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या लेंगे, बी सी जो हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है. फिर हम बी डी लेंगे 18 सेंटीमीटर, ठीक है. 18 सेंटीमीटर बी डी लेके हमने क्या करना है, बी पे 90 डिग्री बना के 18 सेंटीमीटर बी सी बी डी लिया और डी सी को हमने मिला दिया. डी सी को मिलाने के बाद हमने डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, हमने एक बार आधे से ज्यादा कंपास ओपन करके सी को सेंटर मान के एक लगाई, एक उधर लगाई, ऐसे ही डी से प्रीवियस आर्क को कट कर दिया. और वो जो हमारा लाइन बी डी पे कट होता है, इंटरसेक्ट करता है, वो हमारा पॉइंट आ जाएगा ए, और ये हमारी ए बी सी हो जाएगी रिक्वायर्ड ट्रायंगल. स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.2. वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे.